ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन के ऊपर है ये, वेदर इट अमाउंट्स टू कॉमन इंटेंशन और नॉट। ठीक है, तो एम्परर महबूब में ये सेम बिल्कुल ऐसी ही हूबहू ये केस वहां से डाला गया है। इसमें जो ये नाम है एम डब्ल्यू, ये मोहम्मदन नेम्स हैं, मावादुल्ला वाहिब वाजिदुल्ला, है ना, ऐसे जैसे नाम है इन सबके। तो अब यहां पर हमें देखना क्या है सिर्फ फ्रेंड्स, कि क्या ये कॉमन इंटेंशन का केस है कि नहीं है। यहां हमें क्या पूछा है कि एम डब्ल्यू ने फायर करा और डेथ कर दी किसी की गनशॉट से, किसकी करी, एक कंप्लेनेंट एक पर्सन की, ए की, है ना, भाग गया, उसका मिला ही नहीं। लेकिन यहां पर जो एम था जिसने सेकंड गनशॉट करा था, उसकी क्या लाइबिलिटी रहेगी? तो कॉमन लॉ ये बोलता है फ्रेंड्स कि वंस एन एक्ट इज डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ऑल पर्संस हु आर इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, दे ऑल आर लाइबल फॉर द सेम ऑफेंस। यानी के जहां पर अगर ये दो व्यक्ति थे जिन दोनों ने गन शॉट करे, उन दोनों ने इकट्ठे गन शॉट करे, एक ही गन शॉट से एक मर गया और एक घायल हो गया दूसरे के गन शॉट से, क्या ये सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन बनती है कि नहीं? अगर कॉमन इंटेंशन ये बनती है तो जो एम है ही विल ऑल्सो बी लाइबल फॉर मर्डर, एंड इफ इट इज नॉट कॉमन इंटेंशन देन ही विल नॉट बी, वो उसका अपना एक्ट के लिए वो लाइबल होगा जो इंजरी उसने कॉज करी। तो यहां पर आपने अपने अपने तरीके से किया होगा, लेकिन एग्जैक्ट जो है, एग्जैक्ट क्या है इसका, कि यहां पर मैंने आपको बहुत पहले शुरू में फ्रेंड्स आपको ये बताया था मैंने कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन, देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस इन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। 1870 में ये जो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन वर्ड डाला गया है आईपीसी के अंदर, कि कुछ लोग, दो या दो से ज्यादा लोग, अगर इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन कोई इलीगल यानी के क्राइम करते हैं, ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम इन द सेम फुटिंग्स। ठीक है, तो यहां क्या है, अब देखना यह है हमें कि जो बचाने आए थे, जो बचाने आए थे, जिसने एक ने एक को मार दिया गोली से और दूसरे ने उसको इंजरी कर दी, अब यहां पर क्या कॉमन इंटेंशन बनती है कि नहीं बनती है? ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके अनुसार क्या बनता है? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आप कॉमन इंटेंशन की तरफ गए नहीं, आप मर्डर में घुस के जाके, आई होप सो, ठीक है ना, डोंट वरी, कोई बात नहीं। देखिए, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन, दे आर डिफरेंट थिंग्स। कॉमन इंटेंशन वो है जो कि ऑफेंस करने से एकदम पहले या एट द मोमेंट पैदा हुई है, बट इट मस्ट बी बिफोर द अटेम्प्ट ऑफ द ऑफेंस। यहां पर कहीं भी जो एक व्यक्ति, तीसरा बच्चा जो कि एम था, किसका फादर है, डब्ल्यू का फादर है, इसने क्या कहा कि आप रीड्स मत काटना मेरे खेतों से, और उसके बाद वो बैठ गया। अब ए और जो दूसरा उसका साथी था, उन्होंने इसकी बात नहीं मानी और चले गए उसके खेत से, ले आए रीड्स। जब वो किश्ती में आ रहे थे तो जो एम है, इसका नेफ्यू जी उनको मिला और उसने कहा कि भाई ये सामान हमारे चाचा का है, इसको छोड़ दो, और उसने ए के साथ स्कफल करी। ए ने डंडा निकाला, जो उसका वो पुलिंग रोप थी उसको निकाल के उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी। जी ने क्या करा कि उसने शाउट करा, बचाओ बचाओ बचाओ। जब बचाओ बचाओ करा तो क्या हुआ, डब्ल्यू और एम, जो यहां एम और डब्ल्यू, ये दोनों मौके पर आए बंदूक के साथ, और उसके बाद डब्ल्यू ने फायर करा ए पर और भाग गया, ए मर गया,
और एम ने फायर करा ए के दोस्त के ऊपर एच पर और वो उसको इंजरी हुई। अब डब्ल्यू वॉज नेवर कॉट आफ्टर। अब यहां पर दोस्तों क्या है जो बेसिक इस प्रपोजिशन का मैटर है, जो ये जी है नेफ्यू जिसने ए को पकड़ा, ए और बी को चाचा की रीड्स चुराते हुए, उसने सिर्फ क्या करा, उनको रोका और रोक के पूछा, थोड़ा बहुत ए के साथ स्कफल हुआ और उसके बाद उसने बचाओ बचाओ करा, इतना उसका पार्ट है। दूसरा पार्ट आता है एम और डब्ल्यू का। एम और डब्ल्यू का पार्ट क्या है कि उसकी आवाज सुन के वो दोनों आए, जब वो दोनों आए तो उन दोनों ने क्या करा, बिना देखे गोली चला दी। किसने? डब्ल्यू ने गोली चला दी, ओके, डब्ल्यू ने, और ए को मार दिया। तो देर वॉज नो प्री मीडिएशन ऑफ माइंड्स। इसमें लंबी स्टोरी है, लेकिन प्रीवी काउंसिल ने लास्ट में डिसाइड करा, हुआ क्या था कि जो सेशन कोर्ट था उसने सजा कर दी तीनों को, दोनों को सजा कर दी, और ये जी को छोड़ दिया क्योंकि इसका पार्ट नहीं था, ये बचाओ बचाओ वाली कंडीशन में था। उसके बाद सेशन हाई कोर्ट में गया मैटर 1944 में, और वहां हाई कोर्ट ने डब्ल्यू और एम दोनों को सजा कर दी। कितनी? डब्ल्यू तो भाग गया था, तो एम को सजा कर दी मर्डर का केस बनाकर, कॉमन इंटेंशन में उसको डाल दिया। और कॉमन इंटेंशन को शो करते हुए, क्योंकि इन दोनों ने इकट्ठे अटैक किया, उसको कॉमन इंटेंशन बोला हाई कोर्ट ने। लेकिन फाइनली प्रीवी काउंसिल ने इसको डिसाइड करा कि नो, सिमिलर इंटेंशन इज डिफरेंट एंड कॉमन इंटेंशन इज डिफरेंट। यहां दोनों की सिमिलर इंटेंशन क्या थी कि जी को बचाना है और अपनी रीड्स को बचाना है, दैट वॉज द कॉमन इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन, सेम इंटेंशन। तो यहां पर कॉमन इंटेंशन का कोई मैटर नहीं आता है, और जो जिसने जो काम किया वो उसी के लिए लायबल होगा। डब्ल्यू ने गन शॉट किया, उसको मार दिया, भाग गया, नहीं मिला, मर्डर के लिए वो चार्ज है। लेकिन एम क्या है, ही इज नॉट चार्ज फॉर मर्डर बिकॉज देर वॉज नो कॉमन इंटेंशन। तो दिस वॉज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आपने क्या लिखा है, यू नो वेल। दूसरा क्वेश्चन आता है, वेयर इन द अक्यूज्ड ए वॉज असॉल्टिंग अ पर्सन बाय फिस्ट, द वाइफ ऑफ द विक्टिम पर्सन हु वॉज बीइंग असॉल्टेड इंटरवीन विद अ बेबी इन हर आर्म्स इन ऑर्डर टू रेस्क्यू हर हस्बैंड। द अक्यूज्ड ए गेव अ ब्लो टू हर विच एक्सीडेंटली हिट द बेबी, विद द रिजल्ट इट वॉज डाउन एंड द बेबी डाइड आफ्टर टू डेज। Can accused A plead defense of accident? Given answer with the help of legal propositions and case law, if any. तो यहां पर आपका पवन का क्वेश्चन पेपर है, वहां उसने सेक्शन 80 लिखा है, तो सेक्शन 80 लिखा है पवन आपने? Yes, sir. लिखा है ना? Yes, sir. हाँ, तो सेक्शन 80 के अंदर जो एक्सीडेंटल मैटर्स आते हैं हमारे जर्नल एक्सेप्शन के अंदर, this question was generated from journal exceptions whether they can take plea or not. to yahan par isko pehle question ko padhiye, certainly it was from section 80 of ipc, theek hai, wahan par agar koi matter accident se koi offense ho gaya hai to wo exempted hai. ab yahan kya hai, iska jo last crux answer kya aata hai, question aapke paas hai, fist maar raha tha, wife beech mein aayi, बच्चा उसके हाथ में था, बच्चे को चोट लगी और दो दिन बाद वो मर गया, तो ए ने कहा कि ये तो गलती से हो गया है मेरे से, मैं उसको मारने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। दिस वॉज द बेसिक जो उसका डिफेंस था। पर यहां लास्ट में क्या बोला, 80 क्या बोलता है, सेक्शन 80 बोलता है कि ऑन बेस द प्रेजेंट के स्टेट दैट इन ऑर्डर टू टेक द डिफेंस ऑफ सेक्शन 80 एक्सीडेंटल एक्ट, इट इज नेसेसरी दैट द एक्ट ऑफ द अक्यूज्ड मस्ट हैव बीन लॉफुल and must have been done in a lawful manner and by lawful means, the essential ingredients for an act or misfortune to operate as a mitigating factor. kya hai teen cheeze, sabse pehle legal act hona chahiye, legal means se hona chahiye aur legal purpose ke liye hona chahiye. lekin iska ultimately kya nikla yahan par, what he was doing, a kya kar raha tha, wo assault kar raha tha fist se kisi person ko,
दैट वॉज नॉट ए लीगल एक्ट. किसी को फिस्ट से असॉल्ट करना इज नॉट ए लीगल एक्ट. ओनली एंड ओनली सेक्शन 80 अप्लाइज व्हेन देयर इज अ लीगल एक्ट फॉर लीगल पर्पस, लीगल मींस. तो यहां वो इलीगल एक्ट कर रहा था, भले ही वो एक्सीडेंटली बेबी को चोट लगी, लेकिन ही कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80. राइट फ्रेंड्स, हो गया आंसर्स. मैं इसको डाल दूंगा आपको, पूरे मैंने बनाए हैं इसके डिटेल आंसर्स. तो चुप हो गए सभी, क्या बात है? यस सर. आया यहाँ पे कहीं जुड़ रहा है? तो यहाँ सेक्शन 80 का एक्सीडेंट का जो उसका प्ली था वो नहीं चलेगा. अब थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन ऑफेंस इफ एन इज मेड आउट ऑफ द फॉलोइंग केसेस, पुट योर आंसर. नंबर 1, दीपक एंड रितिका वर फाउंड किसिंग एंड एम्ब्रेसिंग ईच अदर इन ए मारुति वैन पार्क्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर माइल अवे फ्रॉम द पुलिस स्टेशन एट ए लोनली प्लेस. पहला ये है. अब ये जो प्रपोजिशन आई है फ्रेंड्स, ये कहां से आई है आपको? कैन एनीबडी टेल मी क्या कर रहे थे रितिका और दीपक? ऑब्सेनिटी, ऑब्सेनिटी के अंदर ऑब्सीन कर रहे थे. अब ऑब्सीन जो आईपीसी के अंदर है वो किन किन कंडीशंस में ऑब्सीन माना जाएगा ऐसा एक्ट, उसके कुछ ग्राउंड्स हमने डिस्कस करे थे अपने पूरे उसमें. वल्गर एंड ऑब्सीनिंग मैटर, डस एनीथिंग व्हिच हैज बीन डन ऑब्सीन एक्ट इज इन पब्लिक प्लेस, है ना? कोई ऐसी चीज जो पब्लिक प्लेस में की जाए विच इज प्रोहिबिटेड अदरवाइज इन पब्लिक प्लेस, नॉट इन अ लोन प्लेस. तो ऑब्सीन 294-292 के ये प्रपोजिशन है हमारी, वहां से आया है ये. और हमने इसको डिस्कस तो करा है, बिल्कुल करा है कि नहीं करा है बताइए. हाँ, तो ऑब्सीन 294-294 ये दोनों ही, ऐसा मत सोचना अब पता नहीं क्या करके आए होंगे आप, लेकिन दीपक एंड रितिका ऑब्सीन कर रहे थे लेकिन लोनली प्लेस में थे, सो इट इज नॉट एन ऑफेंस. इसका डिस्क्रिप्शन अपने लेवल पे आप कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, इट इज नॉट एन ऑफेंस. सेकंड, ड्यूरिंग द सर्च ऑफ रेजिडेंशियल हाउस ऑफ अक्यूज्ड फॉर द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 120-420 ये सारे, वन वीडियो कैसेट कंटेनिंग प्रोनोग्राफी सीन्स इज रिकवर्ड फ्रॉम द अलमीरा की ऑफ विच वाज सप्लाइड टू अक्यूज्ड. इसको आप कहां लेके गए हैं? वेयर you put this matter, either in 120B, 420, 468, 471, इनमें से कहां करा है आपने इसको डिस्कस? करा है कि नहीं करा है? करा है? नहीं सर, ये नहीं करा. दूसरे क्वेश्चन किया है सर, ये नहीं किया. ओके, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. इसमें से तीन क्वेश्चंस जो आप लोगों ने, पांच थे ना, पांच में से दो ही करने थे, एक तीसरा भी कर लिया होगा शायद आपने इसी पार्ट से, तो आपको दो क्वेश्चन में रिलैक्सेशन है, लेकिन जो तीन आपने करे हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेना. ओके, तो यहां पर क्या है फ्रेंड्स, इट वॉज ए ब्लफ, ब्लफ मेड बाय द लर्नेड एग्जामिनर. 120B, 420B, 468, 471 हमारा दिमाग उधर को ले जाने की बात हुई है, बाकी अदरवाइज इन सेक्शन का इस केस में इससे कोई लेना देना नहीं. दिस इज ऑल्सो कहां पे, क्रोनोग्राफी सीन्स is recovered from the Elmira. Key was with the supply by the accused. क्या मतलब है? Elmira के अंदर obscene ऐसी कोई सामग्री पाई गई जो कि offense है, लेकिन offense कब है obscene? जब उसको public किया जाता है. Public के अंदर वो आती है अपने personal use के लिए, personal capacity में आपने रखी है, तो that is not covered under 292-294. तो यहाँ पर भी एक फोटोग्राफी कैसेट मिली अलमीरा के अंदर जिसकी चाबी किसके पास थी? अक्यूज्ड के पास. इट मींस कि इट वाज इन द की एंड लॉक ऑफ द फुल एंड सोल कस्टडी ऑफ द अक्यूज्ड. इट वाज नॉट गिवन फॉर द पब्लिक, पब्लिक नहीं हुई थी ये चीज, भले ऑब्सीन थी, लेकिन इस वजह से उस जगह पर ऑब्सीन और वल्गैरिटी वाले जो सेक्शन है आईपीसी के, दे डज नॉट फॉल, वहां भी नहीं लगता है, दोनों केसेस के अंदर नहीं लगती है. तो ये है इसका एग्जैक्ट आंसर, ऑब्सीन. ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें. क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाँ टू, क्वेश्चन नंबर टू ए टू बी, ए पासर बाय सीज बी मर्सिलेसली बीटिंग हिज वाइफ सी, ए गिव्स अ सिंगल ब्लो टू बी हु डाइड इमीडिएटली एट द स्पॉट, व्हाट ऑफेंस इफ एनी हैज ए कमिटेड, गिव आर्गुमेंट्स एंड द लीगल प्रोपोजिशंस प्रोविजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर एंड ऑल्सो केस लॉ। क्या मतलब है, पासर बाई जा रहा था, उसने क्या देखा, बी अपनी वाइफ को बड़ा मर्सिलेसली पीट रहा है, तो उसने क्या करा, एक उसको ब्लो मारा, सिंगल ब्लो, लेकिन हुआ कि अनफॉर्चुनेटली बी डाइड। अब ऑफेंस कौन सा बना ए के ऊपर, तो यहां पर ऑफेंस कौन सा बनता है, कैन यू टेल मी, करा आपने किसी ने ये, है ना, हाँ। अब देखिए यहां पर बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, मैंने कल तभी कहा था कि शांति से पढ़ना क्वेश्चन को, उसकी एसेंस समझना। अब यहां पर डेथ मैटर आता है, जब डेथ मैटर आता है तो हमारा दिमाग सीधा चला जाता है कहां पर, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर की तरफ चला जाता है, हम उसको पूरी तरह से लिख देते हैं। लेकिन यहां पर क्या था, मेन चीज क्या थी, मर्सिलेसली एक ब्लो किया और उसको मारते हुए देखते हुए किया, तो इसके अंदर जनरल एक्सेप्शंस के बाद प्राइवेट डिफेंस आता है जो आईपीसी का, वो क्या कहता है, अगर किसी व्यक्ति को पर्सनली या किसी और व्यक्ति को मारते हुए, उसकी उसको हर्ट करते हुए कोई दिखे तो वो उसको बचाना, उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है। तो यहां पर किसी बॉडी को हार्म हो रहा है, उसके सामने सडन उसके मन में आया कि इसको बचाओ, और उसने क्या किया, थप्पड़ मारा, दैट वाज सडन प्रोवोकेशन एट वंस, वन टाइप ऑफ सडन प्रोवोकेशन, और टू सेव द लाइफ ऑफ द पर्सन, उस वाइफ की लाइफ सेव करने की एक जो जिम्मेवारी थी उसको निभाया। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में अपनी बॉडी या दूसरे की बॉडी को बचाना ऑफेंस नहीं होता। तो यहां पर इस पर्टिकुलर मैटर के अंदर क्या है, ये 97 जो हमारी सेक्शन 97 है राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंदर क्या है, एवरी पर्सन हैज राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी एज वेल एज बॉडी ऑफ अनदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर जो इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग एक एक्शन का रिएक्शन जो हुआ है, दैट वॉज डन बाय दिस पर्सन अगेंस्ट बी, hence he has not committed, he has committed offense, but he will be saved by the right to private defense। हाँ जी सर, ठीक हो गया काम, चलिए कोई बात, चुप हो गए सभी, yes sir, चुप नहीं होना है, चलते रहना है ना। अब अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल क्या है, An accused A, who was superintendent in a government department, took a file at home and made it available to another person, who replaced certain papers in it by other papers, and the accused A then returned the file and placed it in its original place. What offense, if any, has been committed by A? Support your answer with arguments and legal propositions, provisions, and the case law, if any. यहाँ पर जो ये मैटर आया है, क्या किया है कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर सर्वेंट या क्लर्क जिसके पास वो फाइल की कस्टडी है, उसने उसको रिमूव करा उस पर्टिकुलर प्लेस से ओनर की मर्जी के बगैर, सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट का है लेकिन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का है, तो ऐसी कंडीशन में जब उसने उस प्रॉपर्टी को विदाउट द परमिशन ऑफ द अथॉरिटी उसको रिमूव करा, तो क्या बनता है, इट इज थेफ्ट। पर लेकिन थेफ्ट के अंदर भी स्पेशल क्लॉज है, स्पेशल सेक्शन है वहां पर 381, एनी एक्ट डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट और द क्लर्क, तो यहां पब्लिक सर्वेंट की जो बात आई 381 के अंदर ये फॉल करता है, 7 साल की सजा में है, थेफ्ट के अंदर जाता है। ओके, तो ये आ गया इसका आंसर। अब इसके बाद अगले आते हैं हमारे पास मेंजरिया, यू नो मेंजरिया, guilty intention, इसके अंदर भी accidental और सारे मैंने 4 आपको बताए थे, वो इसके अंदर आने थे, आपने लिखे होंगे, I think so, mens rea, ठीक है, there is no, nothing is
नथिंग इज डिस्क्राइब्ड इन आईपीसी, बट मेंस रिया का मतलब गिल्टी इंटेंशन विद कपल्ड विद एक्टस रियस. ओके, तो ये मेंस रिया का आपने करा होगा. साइबर क्राइम्स यू नो वेल, साइबर क्राइम भी 4-5-6 जगह तरह के होते हैं, और 66D को भी आपने डिस्क्राइब किया होगा. ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर. कल्पेबल होमिसाइड मर्डर 299 एंड 300, ये आया 299 और 300 का. और कल ही हमने अंताश, अगर आपको याद होगा तो कल हमने इसको डिस्कस किया था, कल के परसों किया था, परसों. हाँ, तो मेरे ख्याल से आपने लिख तो आए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है. डिस्टिंग अबडक्शन एंड किडनैपिंग, किडनैपिंग और अबडक्शन 361-362 का सेक्शन जो है उसको आपने करना था, इसमें जाने की जरूरत नहीं. अब इसको देखते हैं. चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है. राम एन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस ऑफ मर्डर स्टेटेड बिफोर ए पुलिस ऑफिसर दैट द नाइफ बाय विच आई हैव किल्ड सोहन हैज बीन हिडन बाय मी इन द फील्ड विच आई कैन शो. On this information, the police officer discovers the said knife from the field on which human blood is detected. In the whole of the statement given by the accused, admissible in evidence. Kya ye admissible hai? If not, what part or parts of the statement are admissible in evidence? Give answer with the support of relevant legal provisions and case law, if any, on the point. To ye kahan se hai? Pehle to hum ye dekhna hai kis एक्ट से ये प्रपोजिशन आई है. इंडियन एविडेंस एक्ट. इंडियन एविडेंस एक्ट. एक सेकंड रुकना बेटा, जितना यार बेटा चार्जर डाउनलोड है इसको. हाँ, इंडियन एविडेंस एक्ट. और इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से पार्ट से है ये? मैंने आपको बताया था इंडियन एविडेंस एक्ट में कन्फेशन पार्ट हमने करा था, 24 से लेकर 30 तक कन्फेशन सेक्शन मैंने आपको बताई थी, जहां पर की डिस्कवरी एंड सब्सिक्वेंट रिकवरी. किसी ने पुलिस कस्टडी के अंदर कुछ डिस्कवर किया रिगार्डिंग द ऑफेंस ऑफ वेपन, और उस बोलने के बाद, उस डिस्कवरी के बाद वो रिकवर हो जाता है अगर, एंड द सेम जैसे उसने बोला वैसे रिकवर हो जाता है, तो दैट इज admissible under section 27 of the Indian Evidence Act. Yes, sir. This preposition was from Indian Evidence Act section 27. Aur wo 27 kya kehta hai? Any statement made by a person accused of any offense while in the custody of a police officer connected with the production or finding of property connected with, yahan kya bola, knife jahan chupaya hai वो मैं ढूंढ सकता हूं, और उसमें फिर आगे ब्लड स्टेन से ज्यादा नाइफ मिल गया वहां पर जहां उसने बोला था. डिस्कवरी दो स्टेटमेंट्स ओनली विच लीड्स इमीडिएटली टू द डिस्कवरी ऑफ प्रॉपर्टी एंड इन सो फॉर एज दे डू लीड टू सच डिस्कवरी आर प्रॉपरली एडमिसिबल वट एवर बी द नेचर ऑफ द फैक्ट डिस्कवर्ड दैट फैक्ट मस्ट इन ऑल केसेस बी इटसेल्फ रेलिवेंट टू द केस. Relevancy है ये. Though it is in confession, in the police custody, where in generally the police custody confessions are not admissible, but 27 के अंदर admissible है, और discovery subsequent recovery के अंदर. The whole of this statement, because it was related to the offence as well as the recovery of that particular property means weapon of offence. The whole of this particular statement is admissible. Okay, friends. जी सर. करे है ना कुछ? हाँ जी सर. हाँ, अब बी पार्ट को देखते हैं. ए मैन वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर द मर्डर ऑफ हिज वाइफ. विक्रांत स्टेटमेंट बात करना जरा आप लोग. जी सर. हाँ. यस सर. दोबारा ऑन करो, एक सेकंड इसको चलाओ. अच्छा क्या था अब? ए मैन वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर द मर्डर ऑफ हिज वाइफ. हिज डिफेंस वॉज दैट द शॉट वेंट ऑफ एक्सीडेंटली. देयर वॉज एविडेंस टू द इफेक्ट दैट द डिसीज टेलीफोन्ड गेट मी द पुलिस हेल्प बिफोर द ऑपरेटर कुड कनेक्ट द पुलिस टू द कॉलर
who spoke in distress her address and the call ended abruptly. Thereafter, the police reached to the house and found the body of the deceased woman, discussed the relevancy of the telephone call and the words she spoken and whether they are admissible in evidence, give answer with the support of legal provisions and the case law, if any. तो यहां पर एक आदमी को चार्ज करा अपनी वाइफ के मर्डर के लिए. उसने कहा कि जो ये हुआ शॉट गन शॉट हुआ एक्सीडेंटली हुआ है, लेकिन बीच में एक जब उस एपिसोड हो रहा था तो जो डिसीज्ड थी वाइफ उसकी एक कॉल गई थी, पुलिस को कॉल गई थी, लेकिन पुलिस को वो बोल सकी कि गेट मी द पुलिस हेल्प, इतना बोला और अपना एड्रेस ही बता पाई थी. देयर आफ्टर द फोन डिस्कनेक्टेड. अब जो ये शब्द बोले गेट मी द पुलिस प्लीज, इसका क्या इफेक्ट है, एविडेंशरी वैल्यू क्या है, ये है आज का हमारा ये क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट. तो क्या बोला आपने इसमें सर? रेस्ट के स्टे में लिया था सर सेक्शन. वेरी वेरी, इट वाज फ्रॉम सेक्शन 6 रेस्ट गेस्टाई हियरसे एविडेंस एक्सेप्शनल मैटर सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. जहां पर क्या बोलता है, एक केस था बहुत इंपॉर्टेंट केस इन रेटन वर्सेस क्वीन. द रेटन वर्सेस द क्वीन, अ मैन वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर द मर्डर ऑफ हिज वाइफ, हिज डिफेंस वाज लाइक दैट, है ना. और उसके बाद इसको डिस्क्राइब किया गया, अंत में क्या नतीजा आया कि इट वाज नॉट एक्सीडेंटल अटैक, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था. हियरसे, इट वाज अ हियरसे. क्यों? उस वाइफ का जो कॉल था एक ऑपरेटर ने सुना, उसके बाद आगे उसने पुलिस को कहा. दैट वाज अ कनेक्शन, जो बीच का वह आदमी था, क्योंकि औरत उस लेडी ने बोला, सुनने वाला कोई और था, आगे उसको नरेट करा. लेकिन इन द जर्नल सेंस हियरसे एविडेंस हैविंग नो वैल्यू, किसी भी स्टोरी को सुनाना वैल्यू नहीं, लेकिन सेक्शन 6 में इट इज रेलिवेंट बिकॉज एक सीरीज के अंदर ये काम हुआ है और उसने इमीडिएटली बोल दिया है विदाउट टेकिंग द टाइम फॉर मैनिपुलेशंस इंप्रूवमेंट्स एक्सेट्रा. तो इंटेंशनल और एक्सीडेंटल के बीच में ये डिफरेंस पैदा करने के लिए रेस गेस्टाई की कॉल, अगर उसने बोला कि मेरे से एक्सीडेंटली हो गया केस, एक्सीडेंट में उस जो डिसीज था उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे को मारने वाला है. तो यहां पर जो कॉल थी उसमें कहा कि पुलिस हेल्प दो मुझे, इट मींस दैट वाज नॉट एक्सीडेंटल, और कुछ ऐसा सीन हो रहा था कि लेडी बेचारी पुलिस को कॉल करे बचाने के लिए. इट मींस इट वाज नॉट एक्सीडेंटल. यहां से गैदर किया गया इसका इंटेंशनल वर्क. तो रेस गेस्टाई के अंदर जो ऑपरेटर की स्टेटमेंट थी दैट वॉज फाउंड वैलिड एंड एडमिसिबल. राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. Okay. अब चलते हैं अगले सवाल की ओर. 5A. A married young woman who was discarded by her husband lived with her father and brother in Madras. She became intimate with the accused who was her next door neighbor. The two ran away from Madras in a motor car, flew to Bangalore in an airplane, and eventually settled in Bombay. The accused was convicted of kidnapping by the Presidency Magistrate Bombay. It was alleged that taking or the enticing of the women, if there was any, having taken place in Madras, and the magistrate in Bombay has no jurisdiction to try the offense. Decide and give your answer with the reasons supported with the. यहाँ भी bluff किया गया है आप लोगों को, और मुझे पूरा विश्वास है maximum लोगों ने इसको 300 enticing kidnapping के ऊपर लेके गए होंगे कि it is not kidnapping. But friends, ये जो question है ये CRPC से related है. यहां ये सवाल नहीं पूछा गया है कि kidnapping थी कि नहीं थी, यहां पूछा गया है कि बॉम्बे कोर्ट को magistrate को jurisdiction नहीं है इस offense को try करने की. तो that was the matter from CRPC कि where the matter is to be tried. और मैटर कौन सा ट्राई होना है, मैटर वो ट्राई होना है जो ऑफेंस होगा. अब ऑफेंस होगा तो आपने अगर इसको अपने इसमें किडनैपिंग के अंदर लेके गए हैं तो वहां पर नहीं जाएगा, ये जाएगा 198 के अंदर सीआरपीसी में, क्योंकि ये मैरिड वाइफ वीमन है, अपनी मर्जी से गई है, इंटीमेसी डेवलप हुई है, तो इंटीमेसी डेवलप होके वो ऐसे रिलेशन पैदा करती है तो कहां जाता है सेक्शन 497 498 आईपीसी में.
497 और 498 का सेक्शन का आईपीसी का मैटर है, इंटीमेसी द्वार पर अपनी मर्जी से वो आगे जा रही है, आगे सेटल हो रही है। तो अब यहां पर 497 और 498 जो आईपीसी है वहां पर कंप्लेंट कौन कर सकता है, दैट इज द हस्बैंड जो कि लॉफुल गार्डियन है उसका, लेकिन उसके बाद तो रह नहीं रही, अब वो दूसरी जगह रहती है अपने फादर और भाई के साथ, ठीक है, तो वो लॉफुल गार्डियन नहीं हुए उसके। अब इसके अंदर सिंपल सी बात यह है कि कंप्लेंट जो करनी है वो कंप्लेंट किसके व्याप पे होगी और कहां पर होगी, ये चीज देखनी है, लेकिन उससे पहले ये देखना है कि वेदर इट इज एन ऑफेंस और नॉट, वेदर इट इज एन ऑफेंस और नॉट। अब कोई अपनी इंटीमेसी से चली गई और वहां पर क्या हुआ, ब्रदर एंड फादर जो विमेन के थे, दो हैविंग केयर ऑफ विमेन बट नॉट बाय एन अथॉरिटी ऑफ हस्बैंड और ऑन बिहाफ ऑफ हस्बैंड, देयरफॉर कंप्लेंट मेड बाय द ब्रदर ऑफ द विमेन फॉर ऑफेंस ऑफ 497 498 आईपीसी हिट बाय सेक्शन 198 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड दस इज लायबल टू बी डिसमिस्ड, ठीक है। इवन ऑन मैरिट्स ऑफेंस अंडर सेक्शन 498 आईपीसी इज नॉट मेड आउट बिकॉज वन of the necessary ingredient of offense punishable under section 498 is that accused must have taken or enticed away. 498 में अगर accused उसको entice करके ले गया है तभी offense बनेगा। A married women knowingly from care and protection of husband of such women or any person having care of her on behalf of her husband. But in case in hand, women having already declared by discarded by her husband, uski lawful guardianship se bahar ho gayi hai wo, was living with her father and brother in Madras, she developed intimacy with the next door neighbor and eloped with the joint venture mein elope hui, apni marzi se gayi hai, in which motivated force was mutual affection and love, therefore ingredients of section 498 are not there. Therefore, offense under section 498 is not made out. Or, jab offense hi made out nahi hota, there is no matter that where it is to be tried. हाँ, ठीक है friends. तो ये यहाँ से आया है आपके पास matter. 498 और 198 CRPC का ये combination था. अब आता है हमारे पास next part. Summary trial आपको पता है. Where they are? Summary trials कहाँ पर हैं? Sir, CRPC. CRPC के अंदर दो chapter number 21 में section 260 to 265 summary trials. The procedure for summary trial is the same as that of summon cases. Under chapter 20 के अंदर है जो, ठीक है? In the summary trial, the punishment cannot be more than 3 months. ये है summary trial का matter. कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी आपको पता है इस चीज का, यू नो सेक्शन 2 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है ना, कौन से कॉग्निजेबल है कौन से नॉन कॉग्निजेबल है, वेयर द पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट द ऑर्डर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट दे आर कॉग्निजेबल, और उसके साथ सीधे वो एफआईआर के रूप में चले जाते हैं, एफआईआर भी था चाहते हैं, ये देखो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, डायरेक्टली पुलिस के पास जो कंप्लेंट जाती है और पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट करके अपना चलान पेश करती है मजिस्ट्रेट की पावर के ऑर्डर के बगैर, दैट इज इन 154 सीआरपीसी। और नॉन कॉग्निजेबल वेयर द क्या है, परमिशन ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग द और इनिशिएटिंग द प्रोसीडिंग्स, ये आ गया हमारे पास। एंटीसिपेटरी बेल 438 सीआरपीसी के अंदर, व्हेन देयर इज एप्रिहेंशन ऑफ अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड इन नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस, non-bailable cognizable offense के अंदर, they can go to the honorable district or session judge, district session judge or to the high court for getting the relief that he must not be arrested till the investigation. ये आपको पता है 438 का। तो ये था friends हमारा first part। 5 के 5 questions मैंने आपको बताए, what must be the reply और किस तरीके से हमने इसको करना था, और आई होप कि आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से किया होगा। तो किसी का कोई डाउट रह गया हो यहां पे, अरे स्क्रीन पे आइए, कोई बात नहीं, आई एम नॉट आस्किंग व्हाट यू हैव डन, डोंट वरी। कहां रह गए सारे,
यस सर। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, डोंट वरी, चिंता नहीं करो, अच्छा ही हुआ है आपका, यू आर डन गुड। पेपर अच्छा भरा है ना, पूरा भर के आए हैं अकॉर्डिंग टू माई, जो मैंने बोला था उस तरीके से करा कि नहीं करा? हाँ यस अंताश, आप भी खोलिए अपने वीडियोस, कोई बात नहीं डोंट वरी। तो अब कल करेंगे हम सिविल पार्ट को, करने की जरूरत है कि नहीं? करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको, डोंट वरी। देखिए ये जरूरी नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि हमने अच्छा क्वेश्चन पेपर आंसर नहीं लिए, रेस्ट अश्योर आपके अच्छे आंसर्स गए हैं, डोंट वरी। जो भी करा होगा अच्छा किया होगा आपने, लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको ये बताना चाहता था इस क्वेश्चन पेपर के आंसर से कि हमें राइट अप्रोच कैसे लेनी है, व्हाट द एग्जामिनर वांट्स टू। मैंने बोला 10 5 बार 3 बार पढ़ लेना क्वेश्चन को, और अब पता नहीं हाउ यू हैड मेड इट, लेकिन 3 पार्ट में था। देखो मैक्सिमम सीआरपीसी से आईपीसी, फिर एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी से आया, और आगे भी मैंने अभी पूरा देखा नहीं, बट एनी हाउ मुझे लगता है कहीं भी देखो कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा सा एक आधा कोई पार्ट आया होगा, स्पेसिफिक रिलीफ से भी एक आधा पार्ट आया होगा, सीपीसी को इन्होंने ज्यादा लिया है, कॉन्ट्रैक्ट को लिया होगा, हिंदू लॉ से भी मेरे को लगता है एक आधा छोटा सा क्वेश्चन होगा कोई, ठीक है ना? वी आर डन अलॉट, डोंट वरी, चिंता मत करिए, आप डिसहार्टेड नहीं होना है, हो ना हो कोई बात नहीं, बट आप लोग सारे शेर हो, यू हैव डन, यू वेंट इन द पेपर, जहां पर हजारों एडवोकेट ये सोचते रह जाते हैं कि हमने करना है करना है, यू हैव डन इट, आप वो करके आ गए। अब एग्जामिनर को आपकी बात समझ आई कि नहीं आई, दैट इज दैट रेस्ट अपॉन द एग्जामिनर, यू हैव डन इट, ओके। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मैंने फिर कहा कि इट इज द बिगिनिंग, रैशनल वर्क करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। रैशनल वर्क करने का मतलब है ऐसी जैसी चीजों को हमने देखना है, क्योंकि समय हमारे पास नहीं था। मैं बार बार आपको कहता था कि आपको मैं बेसिक चीज करा रहा हूं, लेकिन इसके साथ के जो क्वेश्चंस है वो निकालने शुरू करिए अपने लिए, मेहनत साइड बाइज होनी जरूरी है, ओके ठीक है? तो कल देखेंगे आप, सर नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, कोई बात नहीं। आई होप एंड आई फुली कॉन्फिडेंट दैट आप अपने चेहरों को उदास मत करना, है ना, उदासी आपके नजदीक नहीं आनी चाहिए, वी आर हियर, फिर लड़ेंगे फिर बढ़ेंगे, अगर वो कमी रह जाएगी डोंट वरी, अगला रास्ता आपके पास खड़ा है, अगला रास्ता खड़ा है, ओके। तो जी सर, आराम से सो जाओ, आपको टेंशन नहीं रही दिमाग के ऊपर, आज खुले खराटे मार के सोना जरा अच्छे से डिनर करके, और कल फिर शाम को आते हैं, आप थोड़ा सा सिविल पार्ट को भी देख लेंगे, बस ये आपका जुडिशियल का टेस्ट आने वाला है बड़े जल्दी है, जी वहां सर, काम आएंगी ये चीजें आप लोगों को देखना, ठीक है? ये तो जी निकालना ही सर, निकालना है आपने, लेकिन वो भी निकालना है, वो भी निकालना है, ओके फ्रेंड्स, जी टेक सर, केयर, कल आइए दोबारा से, थैंक छोड़ मत जाना, तेजस्वी शर्मा को भूल मत यू जाना, सर, आई एम हियर नहीं फॉर नहीं यू। सर आपको हाँ भी छोड़ सकते कोई बात नहीं, है ना? आपको भी छोड़ सकते सर। हाँ ठीक है, तो ये चीजें आपको फॉलो करके ना आप सारी चीजें कैसे कैसे रैशनली देखना होता है, कोई बात नहीं। यस सर, गुड लक फ्रेंड्स, बी हैप्पी बी थैंक यू एंजॉयफुल, सर, टुमारो एट थैंक यू सर, ओ'क्लॉक हम फिर आए मिलेंगे, फिर जी मिलेंगे, थैंक सर, जी यू, सर, गुड गुड नाइट, सी यू, नाइट सर, और थैंक यू सर, यूट्यूब वालों को भी मेरी तरफ से प्रणाम, कल फिर हम सिविल पार्ट करेंगे, एंड यू ऑल आर रिक्वेस्टेड एट 8 o'clock ऑन द यूट्यूब ऑल्सो, प्लीज शेयर इट, जी लाइक एंड सब्सक्राइब इफ देर इज सम न्यू पर्सन, थैंक यू वेरी मच सोना सर, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड बाय।